पश्चिम बंगाल के शिक्षक भर्ती घोटाले में बंगाल के पूर्व मंत्री पार्थ चटर्जी की सहयोगी अर्पिता मुखर्जी की मुश्किलें लगातार बढ़ती ही जा रही है। जानकारी के अनुसार ईडी की कार्रवाई के दौरान अर्पिता मुखर्जी के आवास से करोड़ों रुपए की नकदी, सोना और अन्य कीमती सामान बरामद किया गया। साथ ही प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी द्वारा छापेमारी में दो फ्लैटों में से एक से कथित तौर पर अश्लील सामग्री की बात सामने आई है। इसे लेकर एक बांग्ला अभिनेत्री ने सोशल मीडिया के सामने जानकारी साझा की है। जानकारी के मुताबिक एक अधिकारी ने कहा कि हम जानने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या ऐसी वस्तुओं की बरामदगी का करोड़ों के घोटाले से कोई संबंध है। ये नकदी, सोना और अन्य दस्तावेजों की भारी बरामदगी की तुलना मामूली सी बात है। इस बीच लोकप्रिय बांग्ला अभिनेत्री श्रीलेखा मित्रा के एक सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर सोशल मीडिया पर हड़कंप मच गया है। उन्होंने टिप्पणी की है, अर्पिता मुखर्जी के आवास में अश्लील सामग्री की मौजूदगी से पार्थ की कमजोरी का पता चलता है। श्रीलेखा ने पोस्ट में लिखा है कि क्या पार्थ असफल थे, देश जानना चाहता है। इस बीच ताजा घटनाक्रम को लेकर सोशल मीडिया पर मिलीजुली प्रतिक्रिया आ रही है, जहां कुछ ने इस पोस्ट पर व्यक्तिगत स्तर पर ले जाने को श्रीलेखा मित्रा को ट्रोल किया है, तो वहीं अन्य लोगों ने उनका समर्थन किया है और बेबाकी से उनकी प्रशंसा की है। गौरतलब है कि अभिनेत्री श्रीलेखा मित्रा ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का उस वक्त उपहास किया था जब उन्होंने कविताओं के संग्रह के लिए पश्चिम बंगाल सरकार से साहित्यिक पुरस्कार मिला था। हाल ही में शिक्षक भर्ती घोटाले का खुलासा होने के बाद श्रीलेखा मित्रा ने यह दावा किया है कि यदि चाहे तो पार्थ चटर्जी के कई और विश्वासपात्रों के नाम का खुलासा कर सकती है।